अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, मैं वसीम आलम आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। ये एक ट्रबल शूटिंग वीडियो है, इसमें हम पता करेंगे ये मशीन में क्या प्रॉब्लम है। ये एक बड़ी प्लेट बेंडिंग मशीन है जो जिसका मॉडल नंबर M3500 है। ये 200 to 500 टनेज की मशीन है और 250 केजी इसका प्रेशर जाता है। इस मशीन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका बटन छोड़ने के बाद ये ऑटोमेटिकली डाउन होती है। जो इतना बड़ा आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है, ये सिलेंडर ऑटोमेटिकली ही डाउन होने लगता है। ये बहुत ही डेंजरस है, काम करते वक्त ये ऐसे अगर डाउन होगा तो इससे इंजरी होने का भी खतरा है, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देख सकते हैं आप, मैं जब बटन छोड़ देता हूँ उसके बाद ये मशीन धीरे 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 डाउन होती है। तो ये किस वजह से हो रहा है इस वीडियो में हम पता करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है, आपको पसंद आता है, तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है रिलीफ वॉल्व, इसी की वजह से ये मशीन में प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं ये इसका पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें मोटर है, पंप है, हाई प्रेशर फिल्टर्स हैं, इसके प्रायोरिटी वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और जो इसमें प्रॉब्लम है वो रिलीफ वॉल्व में है जिसे मैंने आपको पहले दिखाया। तो सबसे पहले हम रिलीफ वॉल्व को ओपन करेंगे। एटॉस कंपनी का ये रिलीफ वॉल्व है। इस रिलीफ वॉल्व के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये मशीन में ये दिक्कत आ रही है। तो इसे जब मैंने देखा तो मुझे इसके अंदर कुछ कचरे नज़र आए। अभी इसमें अंधेरा इसलिए आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, मैं इसे ओपन करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा था। ये इसका एग्जस्टर है, यहाँ से हम इसका प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने खोलने से पहले इसका प्रेशर भी एडजस्ट करके देखा लेकिन ये नहीं होल्ड हो पाया, इसलिए मुझे ये पूरा ओपन करना पड़ा। अब इसके अंदर क्या है जिसकी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है वो हम देखते हैं। आप इसे पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें सिलेंडर ऑटोमेटिकली डाउन हो रहा है कोई बेंडिंग मशीन का, तो आप भी ये चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये बड़ा यूज़फुल है और बड़ा हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आप भी आसानी से ये सीख जाएंगे कि इसे कैसे हमें ठीक करना है। तो देखिए मैंने इसे ओपन करना शुरू कर दिया है। इसमें स्प्रिंग प्रेशर होता है इसलिए इसे ध्यान से ओपन कीजिए। जब मैंने इसे ओपन करा तो मुझे दो ओरिंग्स मिली इसके प्रेशर एडजस्टर की तरफ, और इस तरफ जो है स्प्रिंग और पिस्टन है। आराम से स्प्रिंग को पहले निकाल लीजिए, उसके बाद इसके अंदर एक पिस्टन है जो प्रेशर को होल्ड करता है, उसे भी आप आराम से बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद इसमें क्या है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो रहा है वो हम देखेंगे। तो मैं इसे सिक्योर करके रख देता हूँ और उसके बाद मैं इसे बाहर टेढ़ा करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रेशर को होल्ड नहीं कर रहा है। इसे हमने अच्छे से क्लीन करना है ताकि इसमें जो प्रेशर होल्ड होने की दिक्कत है वो ठीक हो जाए। देखिए मुझे इसके अंदर क्या मिला, इसमें कुछ फिल्टर्स के टुकड़े हैं। मुझे ये ठीक करने के बाद इसके फ़िल्टर को भी चेंज करना पड़ेगा तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें फ़िल्टर के कितने सारे टुकड़े आ गए हैं। मोस्टली हम 2500 आवर्स की जब सर्विस आती है तो फ़िल्टर चेंज करते हैं, लेकिन कभी आपको ऐसी दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से फ़िल्टर के कचरे ऐसे वॉल्स में मिलने लगे तो आप तुरंत फ़िल्टर चेंज कर दीजिए। आप फिर ये वेट ना कीजिए कि जब सर्विस आएगी तब हमें फ़िल्टर चेंज करना है, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस होता है। इससे आपका रिलीफ वॉल्व और बाकी सब चेक वॉल्व जो भी हैं, इसमें फ्लो वॉल्व हैं, नॉन रिटर्न वॉल्व हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसे हमें अच्छा क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए आप एयर का यूज़ कर सकते हैं, एयर प्रेशर से ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और फिर इसे हाइड्रोलिक ऑयल लगाकर सेम जैसा हमने ओपन किया है इसे फिर से हमें असेंबल कर देना है। मैं इसे पहले अच्छे से एयर से क्लीन कर लूँगा और फिर इसे असेंबल करूँगा। ये देखिए इसमें कितने सारे कचरे निकल रहे हैं, बारीक बारीक से कितने सारे कचरे इसके अंदर हैं जिसकी वजह से
ये प्रॉब्लम हमको फेस हो रही थी। तो मैंने इसके सारे कचरे को अभी निकाल दिया है। अब मैं एयर प्रेशर की मदद से इसे अच्छा क्लीन करता हूँ और फिर इसे फिक्स कर देता हूँ। तो ये हमारा रिलीव वॉल्व फिक्स हो चुका है। अब हम इसे ऑपरेट करके देखेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है। ये मैंने मशीन चालू कर ली है और ये मैंने इसे अप डाउन करना शुरू किया। आप देख सकते हैं, अब मैं जब हाथ हटा रहा हूँ बटन से तो ये मशीन नीचे नहीं आ रही है। पहले जब मैं हाथ हटा रहा था बटन से तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो रहा था, लेकिन अब ये डाउन नहीं हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। बाय बाय। शब्बा खैर।